तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले वीडियो में आप लोग जाने थे आरबीसी इंडेक्सेस के बारे में और आज आप जानेंगे एमसीबी इंडेक्सेस के बारे में, यानी कि एमसीबी इंडेक्सेस क्या होता है, मैनुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मैनुअल फार्मूला होता क्या है, मॉर्फोलॉजी कैसे निकालूँ, पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो जो भी पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो हम बात करते हैं एमसीबी के बारे में। तो एमसीबी यानी कि मीन सेल वैल्यूम या मीन कॉर्पस्कुलम वैल्यूम, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। जो एमसीबी होता है, एक सीवीसी में एनीमिया को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये एमसीबी के रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि एमसीबी से हमको पता चलता है कि कौन से टाइप का एनीमिया किस पेशेंट को है। जो एमसीबी होता है वो आरबीसी के आकार को यानी कि आरबीसी के साइज को काउंट करने का काम करता है। यानी कि एमसीबी के वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि जो आरबीसी है वो अपने नॉर्मल आकार से छोटा है या बड़ा है, जिससे कि हम एनीमिया को आइडेंटिफाई कर सकें। इसका जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो होता है 80 से लेकर 100 FL के बीच में। और जब हम इसको मैनुअल कैलकुलेट करते हैं तो मैनुअल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है एमसीबी इज इक्वल टू HCT मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई RBC। यानी कि जो MCB है वो HCT और RBC के डिवाइडेशन से हमको MCB मिल जाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप देखते हो कि MCB का जो रेंज है वो अपने नॉर्मल रेंज से अगर कम आता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइट। यानी कि MCB का जो आकार है वो अपने यानी कि जो RBC का आकार है अपने नॉर्मल रेंज से कम हो चुका है, जिससे कि MCB का रेंज कम हो जाएगा। यानी कि MCB अपने नॉर्मल रेंज से कम आता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइट। लेकिन जब कभी भी अगर मोर देन 100 यानी कि 100 के ऊपर या अपने नॉर्मल रेंज के ऊपर अगर MCB का जो रेंज जाता है तो उस टाइम RBC का आकार बड़ा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइट। ये हमेशा याद करना है, यानी कि MCB अगर नॉर्मल रेंज से अगर कम आए तो उसको माइक्रोसाइट बोलेंगे, और नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा जाए तो उसको हम मैक्रोसाइट बोलेंगे। लेकिन अक्सर आपको ये देखने को मिलता है कि जो MCB है वो 80 और 100 के बीच में होता है, अगर ये नॉर्मल रेंज में आए तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक। तो ये हमेशा याद रखना, अगर नॉर्मल रेंज में MCB है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक। तो हम बात करेंगे MCB अगर नॉर्मल रेंज से कम आता है तो क्या कारण हो सकते हैं, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों, पेशेंट को या तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या पेशेंट को थैलेसीमिया हो सकता है, या ब्लड लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड लॉस का प्रॉब्लम मतलब कि पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होते जा रहा है। लेकिन कभी भी ये नोट करना आप, अगर किसी पेशेंट को MCB और RBC अगर कम आ रहा है, लो आ रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे आपको एक आयरन स्टडी टेस्ट होता है जो कि ये करा के देख लेना चाहिए, जिससे कि अगर पेशेंट को आयरन की कमी है शरीर में तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। तो ये रीज़न कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से MCB लो आता है। लेकिन क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से MCB अपने नॉर्मल आकार से यानी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों, पेशेंट को या तो B12 की कमी हो सकती है, उसके बाद से या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या नॉन मेगालोब्लास्टिक प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, या लीवर डिसीज की वजह से भी MCB का आकार बढ़ सकता है। या कभी कभी आप ये देखोगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई भी लेडीज अगर प्रेगनेंसी है उनको, तो उस टाइम पे भी जो MCB का आकार होता है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है, या न्यूबॉर्न बेबी का भी जो MCB होता है वो अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से MCB का आकार अपने नॉर्मल आकार से बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोग कुछ सीखने को मिला हो। तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है MCH के आधार पर, यानी कि MCH का काम क्या होता है, उसके कैसे मॉर्फोलॉजी उसका पता करेंगे। तो वीडियो का वेट कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।